हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर। बच्चों, आज की क्लास में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम देने जाए अपना एकेडमिक एग्जाम में तो आता ही है। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफाइन करेंगे बेटा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर, जब हम नंबर का अरेंजमेंट ऑर्डर में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब आप कहेंगे सर ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता या घटता क्रम, वो आपका कहलाता है सीक्वेंस, ठीक है। आपके सामने डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल बेटा, -1, -3, -4, -7, -11, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 12 एंड 14। आप देख रहे हैं ये ऑर्डर आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ये ऑर्डर बेटा आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए, अगर -1 में आपने क्या किया, -2 ऐड किया तो आपका -3 आया, -3 में आपने -1 ऐड किया तो -4 आया, ऐसे ही -4 में जब आपने -3 ऐड किया तो आपका -7 आया। तो सीक्वेंस में जो आपका नेक्स्ट टर्म होता है अपने प्रीवियस टर्म पर डिपेंड करता है। आगे वाला जो पद है, टर्म है, उसको हम जब लिखते हैं तो अपने पहले वाले टर्म में कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। ऐसे ही देखिए, ये आपका बेटा क्या है, ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सीक्वेंस में ओनली हम किस चीज को देखते हैं कि सीक्वेंस में ऑर्डर का होना जरूरी है। अगर ऑर्डर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2, -1, 0, 7 कुछ इस तरीके से, तो ये बेटा आपका जो है सीक्वेंस नहीं है, इट इज नॉट सीक्वेंस। सीक्वेंस में ऑर्डर का होना जरूरी है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल an=2n² + 1। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये an क्या है, an क्या है? इस an को हम कहते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म। ये सीक्वेंस के जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपका 2, 3, 5 कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इसका एक जनरल टर्म आता है, एनर्थ टर्म आता है। जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टर्म को टीएन या एन से लिखते हैं, एन लिखते हैं या फिर बेटा टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एन आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीक्वेंस की एक डेफिनेशन और है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, टर्म की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, हम ये नहीं कह सकते 2 and half term, 3 and half term, टर्म हम राउंड फिगर में काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, क्या आएगा, फर्स्ट टर्म +1, 2 + 1 = 3। ऐसे n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो बेटा क्या आएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा 2 × 2² + 1, वैल्यू इसकी क्या आएगी, 9। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अदर टर्म्स भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और आपके सामने, an=2n-1। तो बेटा अब इसमें देखिए, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक nth टर्म है, क्या है, nth टर्म, ओके, ये nth टर्म है आपका। इसमें भी n की वैल्यू जब हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4 लेते हैं तो आपको क्या नंबर्स मिलते जाते हैं। अगर हम n की वैल्यू बेटा 1 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा,
टू मल्टीप्लाई बाई वन माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। एन की वैल्यू जब आप टू लेंगे तो सेकेंड टर्म क्या आएगा, फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। सिमिलरली आप थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आप अपने आप से फाइंड कर सकते हैं। ओके तो आपने सीक्वेंस पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर। जब हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक, अब एक टर्म आपके सामने हेडिंग पढ़ी है फिबोनाकी सीक्वेंस। फिबोनाकी क्या है, फिबोनाकी आपके मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज में एक स्पेसिफिक सीरीज को डिफाइन किया है जिनके फर्स्ट टू टर्म आपके बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, आप जैसा देख पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका एंड सेकेंड टर्म ये किसके इक्वल है बेटा, ये आपका है वन के इक्वल। ओके, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। एंड टू के आगे की टर्म निकालने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया है, ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस वन। ठीक, ये आपका फार्मूला है, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है बेटा। ये आपका क्या है फार्मूला, इसमें जब हम n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर लेते हैं तो हमें 2 के आगे के टर्म मिलते हैं। जब हम n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से जब लेंगे तो हमें n के आगे के टर्म मिलेंगे, 2 के आगे के टर्म मिलेंगे। फर्स्ट टू टर्म आपके 1 होते हैं, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 लेनी पड़ेगी इस फार्मूले में पुट करके। ठीक, तो बेटा जब n की वैल्यू हम इसमें 2 पुट करेंगे तो आपका a3 इक्वल टू आ जाएगा a2 प्लस a1। ठीक, n की वैल्यू जब आप 3 लेंगे, ये कंडीशन है यहाँ पे, तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा बेटा, a3 प्लस a2। n की वैल्यू जब आप 4 लेंगे तो फिफ्थ टर्म आपका आ जाएगा a4 प्लस a3। ठीक, a1 प्लस a2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, a4 फोर्थ टर्म क्या होगा, सेकंड थर्ड टर्म आप निकाल चुके हैं 2, ये 2 आप पुट कर दीजिए, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 2, सेकंड टर्म आपका 1 है, ये वैल्यू आ गई 3 के इक्वल, फोर्थ टर्म आपका क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकालेंगे, a4 आप 3 निकाल चुके हैं, a3 आपका 2 है, क्या आ गया, 5 आ गया। तो फिबोनाकी साहब ने अपने सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू 1 के इक्वल ली है और इसका जो nth इसके आगे के टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला आपका दिया है an+1 = an + an-1। इसमें कंडीशन है n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर लेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फिबोनाकी सीक्वेंस के बाद में हम डिफाइन करेंगे सीरीज क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय सीरीज। तो जो आपने सीक्वेंस के टर्म अभी लिए हैं अगर उन टर्म को हम मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट कर दें, ठीक, आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आपको टर्म पता है, ठीक, अगर ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही nth टर्म, ठीक, इसके आगे भी n प्लस 1 टर्म हो सकते हैं, n प्लस 2 टर्म हो सकते हैं। तो इन टर्म को अगर हम मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट करके लिख देते हैं प्लस माइनस इनटू से तो बेटा बन जाता है सीरीज। सीरीज लाइक एज अ चेन, या फिर a1 माइनस a2 प्लस a3, ठीक है। तो टर्म को जब मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट करके लिख दिया जाता है तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, सीरीज आ जाता है। तो सीरीज को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपके सामने डेफिनेशन है, क्या है,
if a1 a2 a3 dot an is the sequence of n terms, then the series is this. Okay, अब सीरीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको भी मैंने बताए, ठीक है. नाउ प्रोग्रेशन क्या है? देखिए सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. सीक्वेंस में ऑर्डर जरूरी होता है, सीरीज में क्या होता है, जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं उनको मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट करके लिख देते हैं. प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जो अंडर रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन होता है, एक डेफिनेट पैटर्न पे डिफाइन होता है. देखिए जो इसके पहले हमने उसमें एग्जांपल लिए थे, क्या नाम है सीक्वेंस में, तो बेटा सीक्वेंस में हमने जैसे लिखा था 2 5 7 9 16, ये है. यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पैटर्न. ठीक, पैटर्न का आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 2 में 3 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया तो आपका 7 आ गया. ठीक है, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में आपने 7 ऐड किया तो 16 आ गया. तो देखिए ये जो आपका सीक्वेंस है, ऑर्डर तो है ही ना, ये सारे नंबर ऑर्डर में लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. देखिए 3 2 2 7 डिफरेंट डिफरेंट नंबर नेक्स्ट टर्म पे प्रीवियस टर्म में ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखे जा रहा है, तो ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है ना, तो प्रोग्रेशन एक डेफिनेट पैटर्न पे चलता है. आपके सामने डेफिनेशन है, क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. सीक्वेंस के टर्म जो होते हैं ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, बट प्रोग्रेशन के जो टर्म होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. बेटा किसको फॉलो करते हैं? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, सर्टेन पैटर्न होता है इसमें, आपका एक सर्टेन पैटर्न होता है. बात समझ पा रहे हैं? ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 में आपने 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में आपने 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 आपने ऐड किया तो 7 आ गया. ये हमने एक सीरीज लिख रखी है, ये सीरीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करती है. ठीक, अगर हम इसका सीक्वेंस लें तो कॉमा लगा के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉमा लगाकर. तो इस प्रकार से आपको पता हो गया है कि प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो एक डेफिनेट पैटर्न पे चलता है, अंडर रिस्ट्रिक्शन डिफाइन होता है. ठीक है, सीक्वेंस की कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक डेफिनेट पैटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सीक्वेंस के लिए ऑर्डर का होना जरूरी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का होना जरूरी है. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट पैटर्न, ठीक, या ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस. फर्स्ट वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी. इसमें क्या होता है, इस सीक्वेंस में नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा, समान होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी. नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है बेटा, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं जीपी. ठीक है, और नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको हम कहते हैं बेटा एसपी कहते हैं, इसको हम एसपी कहते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है HARMONIC, ये जो लिखा था प्रिंट फॉल्ट है यहाँ पे. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बेटा जो एचपी होता है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. ठीक, क्लास 11th के सिलेबस में अगर हम सीबीएसई बोर्ड या फिर बोर्ड लेवल में बात करें तो ये सिलेबस में आपके नहीं है, सिर्फ आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है. तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल लिए, सीरीज क्या होती है,
ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल मैंने लिया, फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन किया, देन प्रोग्रेशन बताया। ठीक, प्रोग्रेशन सीक्वेंस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक डेफिनेट पैटर्न पे चलें, सिर्फ ऑर्डर कंपलसरी है, पैटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में पैटर्न का होना जरूरी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट पैटर्न या ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस देयर आर थ्री टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, फर्स्ट वन एपी, सेकंड वन जीपी एंड लास्ट वन एचपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म में सेम नंबर को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके लिखा जाता है। ठीक है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, वह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म ए एन प्लस वन, द डिफरेंस ऑफ द टर्म ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन एंड प्रीवियस टर्म ए एन इज ऑलवेज सेम। अब ए एन प्लस वन और ए एन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपका ए वन, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए थ्री, ऐसे ही nth टर्म को ए एन लिखते हैं और इसके आगे का टर्म क्या होगा ए एन प्लस वन, ऐसे ए एन से जस्ट पहले का टर्म क्या होगा ए एन माइनस वन। ठीक है ना, तो अब ये जो ए एन प्लस वन है ये नेक्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और ए एन जो है अपने प्रीवियस टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ए एन प्लस वन और ए एन का जो डिफरेंस आएगा वो कॉन्स्टेंट होगा, इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम बेटा कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दैट इज ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड डी, इसको हम बेटा डी कहते हैं। ठीक, एन की वैल्यू क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, डी आपका यहां पर कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, दिस नोन एज कॉमन डिफरेंस। कुछ एग्जांपल आपके सामने, ठीक, 1 3 5 7, देखिए एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, 1 में जब 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। अब इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्यों माइनस करते हैं, रीजन क्या होता है, जो आपका बेटा नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो 3 माइनस 1 करेंगे, ये रीजन है। ठीक, 1 3 पर डिपेंड नहीं करता, 3 1 पे डिपेंड कर रहा है, 5 3 पर डिपेंड करता है, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो इस प्रकार से यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस बिटवीन ईच टू नंबर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल है -5 -4 -3, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, ये भी देखिए आपके डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, इसमें जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आता है 1 आता है। ठीक, -4 से -5 को माइनस करेंगे, -3 से -4 को माइनस करेंगे, तो इस हिसाब से वैल्यू क्या आ रही बेटा -1 आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो एपी में क्या होता है टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए एक nth टर्म आपके सामने लिखा है an इक्वल टू 4n प्लस 1, अब इस टर्म की हेल्प से हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस अभी आपने लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है an प्लस 1
माइनस ए एन इक्वल टू डी। तो हमें ए एन प्लस वन हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। एन के लिए फोर एन प्लस फाइव डिफाइन है, तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन को आप एन प्लस वन में रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपकी ए एन प्लस वन की वैल्यू ये आ गई और ए एन आपका फोर एन प्लस फाइव है। बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फोर एन प्लस फोर, अब देखिए ये आपका माइनस का फाइव प्लस का फाइव कैंसिल हो गया, ठीक है, और आपका फोर एन माइनस का प्लस का फोर एन भी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई। तो ये आपने देखा कि कुछ इस तरीके से हम जनरल टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ओके, नाउ स्टैंडर्ड एपी। तो अब तक आपने एपी की डेफिनेशन पढ़ी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब आपके सामने जो ये एपी लिखी है, स्टैंडर्ड एपी है, इसको हम कहते हैं मानक एपी। इसको बेटा क्या कहते हैं, मानक एपी। ओके, ये आपकी स्टैंडर्ड एपी है। तो स्टैंडर्ड एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है वो बेटा होता है ए, फर्स्ट टर्म इज ए। इसमें देखिए एक चीज लिखी है, डी का कोफिशिएंट जीरो लिखा गया है, इसका मीनिंग अभी हम बताते हैं। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, ए प्लस वन इंटू डी। थर्ड टर्म आपका क्या है, ए प्लस टू इंटू डी। फोर्थ टर्म आपका क्या है, ए प्लस थ्री इंटू डी। ऐसे nth टर्म या इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं, वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो अब यहां पर जो डी का कोफिशियंट है, इसमें खास बात क्या है कि हम एपी में डी का कोफिशियंट नंबर ऑफ टर्म से वन लेस लेते हैं। देखिए यहां पर नंबर ऑफ टर्म आपका वन है, तो वन से वन माइनस करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, तो डी का कोफिशियंट जीरो। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, टू है, टू से वन माइनस करेंगे तो वन आएगा, तो डी का कोफिशियंट क्या हो गया, वन। थ्री, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में वन माइनस करेंगे तो टू। मीन्स डी का कोफिशियंट नंबर ऑफ टर्म से वन लेस होता है, डी का कोफिशियंट नंबर ऑफ टर्म से बेटा क्या होता है, वन लेस होता है। इसी प्रकार से ये जो आपका ए एन है, तो इसमें डी का कोफिशियंट क्या लेंगे, एन से वन माइनस कर देंगे, तो ये डी का कोफिशियंट आ गया एन माइनस वन। तो आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड एपी क्या होती है, ए पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी। मीन्स नंबर ऑफ टर्म से डी का कोफिशियंट वन लेस होता है। जैसे हम आपसे कहें सेवेंथ टर्म बताइए, तो ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी। ठीक है, थर्टीन टर्म आपको बताना है तो ए प्लस ट्वेल्व डी हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये आपके सामने जो लिखा है ये बेटा स्टैंडर्ड एपी है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इस जो अभी मैंने बताया था लास्ट टर्म या एनथ टर्म को हम कहते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम बेटा लास्ट टर्म या एनथ टर्म एपी का कहते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से हम टर्म से रिलेटेड चीजें निकालते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए। एन यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ए आपका बेटा फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक फार्मूला आपके सामने क्या आया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, ये आपका बेटा फर्स्ट फार्मूला हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके पहले स्टैंडर्ड एपी फार्मूले में भी आपने क्या पढ़ी, सिर्फ ये दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी। नाउ आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका सीक्वेंस का nth टर्म है 5n माइनस 1 अपॉन। अब इससे हम क्या निकालें, फाइंड द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बेटा निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए टर्म में
हमें इनके प्लेस पर नेचुरल नंबर लेने होते हैं। ये आपकी के टर्म लिखे हुए हैं, सीक्वेंस के टर्म A1, A2, A3 एंड A4, क्लियर। तो अगर n के प्लेस पर आप 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5 × 1 − 1/2, कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 2 आएगी, 4/2। n की वैल्यू जब आप 2 लेते हैं बेटा तो सेकंड टर्म आपको मिलेगा 10 − 1/2, वैल्यू इसकी क्या आ गई 9/2। n के प्लेस पर अगर आप 3 लेते हैं तो बेटा इसका थर्ड टर्म क्या आएगा 15 − 1 = 14/2, दैट इज 7। सिमिलरली आप आगे के भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका क्या आ गया बेटा, सीक्वेंस आपका आ गया 2, 9/2, 7, ये आपका सीक्वेंस आ गया। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, ये जो आपके नंबर्स दिए गए हैं ठीक है, ये एपी में होंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, ये आपके थ्री टर्म्स क्या होंगे बेटा, एपी में होंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको बेटा थ्री टर्म गिवन है। पहला टर्म क्या दिया गया है 3k + 4, 7k + 1, 12k − 5, आर इन एपी। तो बेटा एपी के थ्री टर्म दिए गए हैं, आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो एपी में खास बात क्या होती है, टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मीन्स A2 − A1 = A3 − A2, ठीक। अगर इस डिफरेंस को हम इक्वल लेते हैं तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कैसे आएगी, सेकेंड टर्म आपका क्या है 7k + 1 − 3k + 4 = 12k − 5 − 7k + 1। इसको सॉल्व करिए, 7k से 3k माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आपका आएगा 4k, 1 से −4 करेंगे तो आपका माइनस का 3 आएगा इक्वल टू, सिमिलरली 12k − 7k = 5k एंड −7 − 1 − 6। k को अरेंज कर लीजिए, नंबर्स को अरेंज कर लीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। तो आपका बेटा ये आ जाएगा 4k − 5k = −6 + 3, तो −k = −3 − − कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 3। k इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजेस में गिवन है, आप लोग अपने आप से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है बेटा कि पीएफ टर्म इज 1 अपॉन क्यू एंड क्यूथ टर्म इज 1 अपॉन पी, जैसे एनथ टर्म होता है ऐसे इसमें, फाइंड द पी प्लस क्यूथ टर्म, फाइंड द पी प्लस क्यूथ टर्म। तो देखिए बेटा, जैसे आपने ए एन का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है a + n − 1 × d, तो ऐसे pth टर्म एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n के प्लेस पर p लेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। क्यूथ टर्म, हाँ, और pth टर्म दिया क्या है, 1/q दिया है, ये बेटा क्या गिवन है, ये आपका गिवन है 1/q, इसकी वैल्यू 1/q ले लें, q = a + p − 1 ×
ये पहली क्वेश्चन आ गई। कीवर्त चरण बेटा क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और कीवर्त चरण आपका दिया है 1/3। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है P प्लस कीवर्त चरण, ये आपको निकालना है, ठीक। मतलब इसके लिए रिक्वायर क्या होगा, A यहां पे नंबर ऑफ टर्न P प्लस क्यू है, माइनस वन इंटू डी, मीन्स आपको अगर D और A पता चल जाए, D एंड A, तो आप P प्लस कीवर्त चरण निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए दो लीनियर इक्वेशन बन गए A और D में, देर आर टू लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए एंड डी। लीनियर इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, अगर इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, ए ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/q - 1/p इक्वल टू, ए ए कैंसिल हो गया और डी आप कॉमन लेंगे, डी क्या लेंगे बेटा कॉमन लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/1 कैंसिल हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लेंगे बेटा p क्यू एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर p माइनस क्यू आ जाएगा, राइट में भी p माइनस क्यू आएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 1/3। अब इसको आप कहीं फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो 1/q इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1/pq, आप ब्रैकेट ओपन करिए तो ए प्लस पी अपान पी क्यू, पी पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/pq, ठीक, ये 1/q इक्वल टू आ गया। अब ये देखिए आपका 1/q 1/q कैंसिल हो गया, तो यहां से ये आ जाएगा 0 इक्वल टू ए माइनस 1/pq। तो बेटा यहां से जो फर्स्ट टर्म आपका आया, फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1/pq, ठीक। तो आपको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम वैल्यू 1/pq मिल रही है, दोनों की सेम वैल्यू क्या मिल रही है 1/pq, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस टर्म को निकालने के लिए यूज करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम इस टर्म को निकालने के लिए यूज करेंगे। आपको निकालना क्या था, p प्लस कीवर्त चरण क्या होगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, हमने फार्मूला लगा दिया n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई 1/pq प्लस p प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/pq, ब्रैकेट ओपन करिए p अपान pq प्लस q अपान pq माइनस 1/pq, माइनस 1/pq प्लस 1/pq कैंसिल, यहां से pp कैंसिल, यहां से qq कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/q प्लस 1/p, इसको हम p प्लस q अपान pq लिख सकते हैं, यही आपका आंसर, ठीक। तो टर्म से रिलेटेड हमने आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक। एपी में अभी कुछ और भी टॉपिक हैं, वो हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।